क्या हम सुख सार का पाठ सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं, जब चाहो सो कर सकते हैं। अगला है कि सनातन संस्था वाले बोलते हैं कि पितृ दोष निवारण के लिए गुरुदेव दत्ता इसका जप करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये सांप्रदायिक ग्रंथ है, उनका अपना है, उनके लिए वो करें और आप अपने लिए भागवत जी का पाठ कराएं, गीता जी का पाठ कराएं, रामायण जी का पाठ कराएं। यदि आपकी उस बात में आस्था है तो आप उसका पाठ करा सकते हैं। अगला है, दीक्षा लेने के लिए चाहे छोड़नी पड़ती है, क्या छोड़ दो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं, लेकिन अंडा मांस मीट शराब ये तो छोड़ने पड़ेंगे। चाय पीने वाले तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा है यदि आप छोड़ देंगे, डॉक्टरों की दृष्टि से भी हमारी दृष्टि से भी उत्तम रहेगा यदि चाय छोड़ देंगे। इसमें कैफीन होता है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं माना गया, और इसमें कई प्रकार की पेट की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। कई बार तो डॉक्टर बिल्कुल साफ मना करते हैं चाय पीना नहीं। भारत की जो प्रकृति है शरीर की, भारतवासियों के शरीर की जो प्रकृति है, चाय उसके अनुकूल नहीं पड़ती। जो विशेष ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ये उनकी चीज़ है, भारत के लिए नहीं। अगला प्रश्न, अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, किसी के कहने से शिव जी का नाम जपना शुरू किया, बहुत अच्छा, 65,000 नाम जपते हैं, बहुत बढ़िया। मैं और मेरे पति आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन करें। आप नाम जाप करें, जप आप करते रहिए, नीम पुरुष आपका जप छूटे ना, नीम टूटे ना, उसके बाद हमारे पास आएंगे, फिर हमारे मन में आएगा, हम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी आप प्रयास तो करें।